अभी आप ये जो देख रहे हैं ये एक लूम सोलर का पैनल है 125 वाट का। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो डायोड है ना वो उड़ गया है। ये जो डायोड है इसी डायोड को हम इसमें लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे और इसकी फुल टेस्टिंग फुल प्रोसेस हम आपको बताएंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और आखिर तक ये वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। जैसे कि ये पैनल है, अब इस पैनल का हम वोल्टेज देखेंगे। ये हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है जिसको ये बहुत काफ़ी अच्छा, इसमें एसी और डीसी दोनों का जो कि मान हम चेक कर सकते हैं, वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो हम जैसे कि ये मल्टीमीटर बंद है, अब इसको हम वोल्टेज की रेंज पे ले आएंगे। वोल्टेज पे ले आने के बाद से अब यहाँ पे जैसे कि देखिए डीसी है और ये एसी फंक्शन, इससे हम चेंज करते हैं, डीसी हो गया ये एसी हो गया। तो ये जो सोलर पैनल से हमारा करंट आ रहा है वो डीसी आ रहा है, तो हम इसको डीसी की रेंज पे सेट करेंगे और उसके बाद से इस पैनल को पहले चेक करेंगे कि इस पैनल में से क्या हमारा प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और निगेटिव को निगेटिव टर्मिनल के साथ लगाया। आप देखिए जो आपका वोल्टेज आ रहा है आप मल्टीमीटर पर देख सकते हैं 22.83, यानी कि हमारा जो कि है करंट तो बना रहा है, वोल्टेज तो बना रहा है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका डायोड उड़ गया है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो पावर सप्लाई है, आइए हम आपको पीछे दिखाते हैं इस पैनल के पीछे का हिस्सा है। ये देखिए ये जो पैनल है पूरी तरह से ये डायोड निकल हट चुका है, मतलब फट चुका है। इसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ से जो करंट आ रहा है, मतलब बैटरी से जो बाईपास आएगा तो वो अंदर तक पैनल तक वापस जा सकता है। इस कंडीशन में जो कि है फॉल्ट होने का सोलर का ज़्यादा चांसेस रहता है। अब इसको हम केवल चेंज करना है। अब कैसे चेंज करेंगे और कौन सा डायोड लगाएंगे ये सब कुछ हम बताएंगे, आपको सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में। आप वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस तरह वीडियो हमेशा देखते रहने के। अब हम आपको दिखाएंगे इसमें कि ये डायोड कैसे चेंज करेंगे। डायोड खराब होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बैक आ जाता है सोलर पैनल में और सोलर पैनल को सबसे ज्यादा डैमेज करता है, इसलिए हम इस डायोड को चेंज कर रहे हैं। पूरा प्रोसेस इसको हम सोल्डिंग आयरन से इसको रिमूव करेंगे बाहर डायोड को अच्छी तरीके से। हम कोई भी इसमें कट नहीं करेंगे, कोई भी कहीं भी वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। जिस वजह से आप नॉन टेक्निकल, यदि आप थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हैं सोलर पैनल के बारे में, तो आप आसानी के साथ इसको निकाल सके। देखिए अब हम दिखाते हैं, जैसे निकल चुका है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, थोड़ी देर का ये काम होता है। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं ये डायोड पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है और इस कंडीशन में ये जो सोलर पैनल से है हमारा सप्लाई आउट हो रहा था, बट रिवर्स बैक का प्रॉब्लम था, इस वजह से हम ये डायोड को चेंज कर रहे हैं। एक सोलर पैनल में लगा हुआ था, अब इसको हम जब चेक कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से हमें ओपन यानी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। जैसे कि ये डायोड का काम क्या होता है कि जो ये कैथोड इसके यानी कि ये जो सिल्वर मार्किंग है, सिल्वर लगा हुआ है जिस साइड में उसको कैथोड कहते हैं, ये माइनस का साइड है और ये पीछे का हिस्सा यानी कि जो ये ब्लैक ब्लैक है इसको हम एनोड कहते हैं। तो ये जो हमारा जैसे कि हम मोस्टली इसको लगाते हैं सोलर पैनल में, जो कि जो टर्मिनल, दो टर्मिनल होते हैं हमारे, जैसे कि ये दो टर्मिनल है, एक प्लस का और ये एक माइनस का। तो ये जो डायोड यहाँ लगता है यानी कि ये जो आपका कैथोड का एरिया होता है वो इधर से और ये इधर, ठीक। तो ये जो सप्लाई है आपका ये रिवर्स बैक इधर नहीं आने देता है और ये सप्लाई को तो ये रोकने का काम करता है, इसलिए हम ये डायोड का प्रयोग करते हैं सोलर पैनल में। तो ये जो डायोड है हमारा ये खराब हो चुका है और डायोड को जब भी हम चेक करते हैं तो उसका एक ही तरफ से वो वैल्यू बताएगा, दूसरी तरफ से वैल्यू नहीं बताएगा। यदि कोई वैल्यू दोनों तरफ से नहीं बता रहा है या एक साइड से बता रहा है और दूसरे साइड से नहीं बता रहा है तो ओके है, अगर दोनों तरफ से वैल्यू बता रहा है तो खराब है, या दोनों तरफ से कोई वैल्यू नहीं है तो भी हमारा डायोड खराब है। ये जो कैथोड एरिया है इसको हम माइनस का एरिया कहते हैं और ये एनोड पॉजिटिव एरिया होता है, यानी कि जो हमारी सप्लाई है वो इधर से आगे की तरफ जा सकती है बट रिवर्स बैक नहीं जा सकती है, यही इसका काम होता है। हम हमेशा एनोड से इनपुट देते हैं, यानी कि जो एनोड का हिस्सा होता है ये कुछ इस तरीके का,
तो यहाँ से अधिकतर इनपुट देते हैं। और हमारा जो कैथोड का एरिया है यानी कैथोड, यहाँ से आउटपुट निकलता है। ये इनपुट और इधर से आउटपुट, हमेशा हमें जब भी सप्लाई देते हैं तो ये सप्लाई आगे की तरफ इस तरह चलती है, इधर से आउटपुट, ये रिवर्स बैक नहीं जाता है। डायोड को अगर हम चेक करेंगे तो ये क्या है कि हमारा दोनों तरफ से वैल्यू नहीं बताएगा, लेकिन हम डायोड जब भी लगाने से पहले एक बार इसका वैल्यू चेक कर देंगे कि ये हमारा डायोड प्रॉपर वे में काम कर रहा भी है कि नहीं काम कर रहा है। जैसे कि ये जो डायोड है ये पूरी तरह से ओपन हो चुका है, अब इसका वैल्यू हम चेक करेंगे तो एक दोनों साइड में किसी साइड भी नहीं बताएगा। देखिए कोई भी वैल्यू किधर से भी नहीं बता रहा है, क्योंकि इसकी जो मेन कनेक्टिविटी है वो हट चुकी है। बिल्कुल, अब इसको साइड करते हैं, ये अच्छा वाला डायोड है, एक साइड इसकी वैल्यू बताएगा दूसरी साइड वैल्यू नहीं बताएगा। ये मल्टीमीटर पर आप देख सकते हैं, जैसे कि इस साइड से कोई वैल्यू नहीं है, अब इसको हम चेंज कर दिए पोजिशन को, इधर से वैल्यू बता रहे हैं, वो डायोड है, ओके है। अब इसको हम सीधे इसमें ले आकर करेक्ट करेंगे। सिल्वर पैनल आगे की तरफ रहेगा जिधर से हमारा पॉजिटिव वायर निकल रहा है, इस साइड में देखिए यहाँ पे सिल्वर, और इसका इस तरफ से यानी कि जो कि है बैक नहीं आएगा करंट हमारा इधर से पॉजिटिव। इसको बहुत बारीकी से अच्छे तरीके से हमको सोल्डिंग करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर सोल्डिंग अच्छे से नहीं होगा तो इसमें कनेक्टिविटी पॉइंट की प्रॉब्लम आ जाती है और ये ऐसे अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। टेक्नीशियन से या मतलब आप घर पे कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से आपका आयरन जब गर्म हो प्रॉपर और इस अच्छे वायर से इसको सोल्डिंग किया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सोल्डिंग करने के बाद से अब ये पूरी प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग हो चुका है और हमारा जो डायोड है वो अब काम करने के लिए रेडी है। और आप बहुत आसानी तरीके से देख चुके होंगे कि ये किसी भी प्रकार का सोलर पैनल हो उसमें हम डायोड कैसे चेंज करेंगे। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब और करें इस तरह का लेटेस्ट वीडियो हमेशा पाने के लिए।